इन्होंने मुझे जर्मन के लिए बोल के और थाईलैंड में मुझे भेज दिया गया, लेकिन वो मुझे झूठ बोलकर पोलैंड जंगल में ले गए जी बेलारूस से, या तो रशियन आर्मी ने उठाया जी बेलारूस से, रशियन आर्मी ने उठाया जी। तो उन्होंने बोला भी या तो तुम ये यार आर्मी ज्वाइन कर लो नहीं तो 10 साल की जेल काट लो, आगे के पैसे डलाओ तब हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। मैं 24 सितंबर को यहाँ से दिल्ली से गया था बैंकॉक थाईलैंड के लिए, इन्होंने मुझे जर्मन के लिए बोल के और थाईलैंड में मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे मेरे साथ इन्होंने 25 तारीख को मॉर्निंग में मुझे टॉर्चर करने लगे भी तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए हैं, आगे के पैसे डलाओ तब हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। मैंने चरणजीत और अली को बोला भी हमें पैसे यहाँ पर मांग रहे हैं, ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन ने एक बार उठाकर बाद में ब्लॉक कर दिया मुझे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। फिर मुझे उन्होंने डॉक्टरों के हवाले कर दिया, वो मुझे मॉस्को ले गए बाय फ्लाइट, मॉस्को ले गए। मॉस्को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे अपने कमरे में ले गए, वहाँ पे मुझे टॉर्चर किया गया। तो उसके बाद और पैसे मांगे गए? हाँ जी, और पैसे मुझे मांगे गए। फिर मुझे वो जब उनको पैसे मिल गए फिर वो बोल रहे भी हम तुझे पोलैंड एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से तुम्हारी जर्मन की फ़्लाइट कराएंगे। लेकिन वो मुझे झूठ बोलकर पोलैंड जंगल में ले गए जी बेलारूस से। अच्छा, हाँ जी। तो बेलारूस में आपको आर्मी के लिए ज्वाइन करने के लिए? हाँ जी, बेलारूस आर्मी ने हमें वहाँ पे बॉर्डर पे जब उन्होंने छोड़ दिया तो रशियन आर्मी ने उठाया जी बेलारूस से, रशियन आर्मी ने उठाया जी। तो उन्होंने बोला भी या तो तुम ये आर्मी ज्वाइन कर लो नहीं तो 10 साल की जेल काट लो। जो हमारे साथ वो और भी बंदे थे जी, कुछ फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली जी। हमने आर्मी ज्वाइन नहीं कर दी, हमें बोला कि 10 साल की जेल है, हमने बोला कोई नहीं हमें जेल कर दो। तो उन्होंने हमें जेल कर दी जी। तो जेल में हमें 2 महीने वहाँ पे रखा है जी, और मेरे फादर ने फिर वकील करके मेरी वहाँ से जमानत करवा दी है। तो क्या पैसों की डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और पहले तो इनके खिलाफ जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, क्योंकि इन्होंने जैसे डोंकरों से हमें टॉर्चर करवाया है जी, तो हम तो पहले कार्रवाई चाहेंगे जी, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जी। मारा पीटा भी? हाँ जी, बहुत मारा है जी हमें, गर्म लकड़ियाँ भी लगाई हैं जी, राड़े भी मारी हैं हमें जंगल में जाके जी। तो घर पे आपके क्या वीडियो कॉल करवाते थे पैसों के लिए? हाँ जी, वीडियो कॉल करवाते थे जी, वो मुझे बोलते थे वीडियो बनवा अपने, ऐसे बोलते थे, तो मैंने उनको मना कर दिया था जी। उन्होंने फिर मारा, फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके चाकू रखे जी मेरी गर्दन पर, तो फिर उन्होंने मारा जी। तो पैसे कितने दे चुके हैं लगभग? उनको 35 लाख रुपये चले गया जी। तो कौन कौन इसमें शामिल है? एक तो जी राजकुमार के खिलाफ, और एक चरणजीत, एक अली, एक बलजीत कौर मैडम है जी, और एक अमृतसर का डोंकर है जी, वो है जी एक अब्बास राशिद है जी। तो यहाँ पे आप किस एजेंट के पास गए थे? यहाँ पे तो राजकुमार ने बात करवाई थी चरणजीत और अली से जी। तो आपको वैसे लीगल तरीके से कहा गया था? हाँ जी, लीगल तरीके से कहा गया, जर्मनी का वर्क परमिट और वीजा। लेकिन वहाँ जाके आपको बेलारूस ले गए? हाँ जी, वहाँ से हमें बेलारूस ले गए जी जंगलों में। तो अब आप घर कितने समय बाद लौटे हैं? मैं जी 6 महीने बाद घर पे आया हूँ। तो डर लगा, काफ़ी सहम गए होंगे? हाँ जी, बहुत डर लगा जी। आपके जैसे और भी हैं वहाँ पर साथी? बहुत बंदे वहाँ पे 250-300 बंदे अभी भी फंसे हुए हैं जी। जर्मन के लिए वर्क परमिट दिलवाने की बात हुई थी, 2.5 लाख रुपये में बात हुई थी उनकी, तो यहाँ से फिर इसका वीज़ा दिलवा दिया उन्होंने रसिया का, और मॉस्को की टिकट बुक करवा दी। और वो ये रात को आके जब मॉस्को ना जाने की बजाय सीधा थाईलैंड लेके गए, इनकी गेम का हिस्सा होता है ये। थाईलैंड जाने के बाद 24 तारीख को मुकेश थाईलैंड पहुँचा, 25 तारीख को मॉर्निंग में उनके डॉक्टरों के फ़ोन आने शुरू हो गए, बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, पैसे दे दो, तुम्हारे जो जिनसे एजेंटों से बात की है एजेंट को पैसा नहीं दे रहा। तो फिर मैं बलजीत कौर का बार बार मेरे लड़के के पास फ़ोन आना शुरू हुआ, तो मैं बलजीत कौर के बताए पते पे गया, वहाँ पे 3.5 लाख रुपये दे के आया। तो वहाँ से जाने के बाद फिर वो रसिया लेके गए, रसिया उन्होंने उस माफिया के हवाले मुकेश को कर दिया, माफिया ने इनको टॉर्चर करना शुरू किया। बार बार मेरे को यही बोलते थे इसकी वीडियो कॉल करवा के कि दोनों हाथ काट रहे तुम्हारे बच्चे के, पैसे दे रहे कि नहीं। मेरे पास जितना था मैंने वो अपना ज़मीन बेच के उसकी उनकी करता रहा, मैंने उसको बोला बार बार मेरा लड़का वापिस भेज दो। बलजीत कौर को भी बोला, मेरे को ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो लास्ट में इनको ये नवंबर में बात हुई, दिसंबर की 28 तारीख को बात हुई थी, उन्होंने बोला 2 लाख रुपये और डाल दो और इसका वीज़ा स्टैंड करवाना है। तो वो झूठ बोल के वहाँ से मेरे से 2 लाख रुपये डलवा लिए उन्होंने। तो वहाँ उनकी सेटिंग करके, तो कोई हमें बाद में पता लगा मुकेश के ज़रिए कि उन्होंने आर्मी से सेटिंग करके तो उनसे कोई फंडिंग करती है रशिया गवर्नमेंट। तो वो ये बोलते कि आर्मी ज्वाइन कर लो आप नहीं तो 10 साल की सज़ा काटो। तो इन्होंने, मैंने मना कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद से मैंने लाहौर का इंतज़ाम किया, इनसे बात की मैंने, चरणजीत वगैरह जो राजकुमार थे, कि मेरी मदद करो, लड़का तुमने फंसा रखा है, इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो मैंने जाके एप्लीकेशन दी, SSP साहब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, और गुरविंदर सिंह DSP है जो
इकोनॉमी सेल का और शशिकांत जी है, उनके जरिए निष्पक्ष जांच हुई है। उनको ज़्यादा प्रेशर आने की वजह फिर इन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का जेल में है, तो हमने स्टेटमेंट मांगी कि कोई तो डॉक्यूमेंट दो, जेल में हम निकलवा लेते हैं। फिर उन्होंने हमारी बात हमसे करना शुरू बंद कर दिया। तो बरादरी तौर पे ये बात हुई थी कि आप हमारी रेस्ट रुकवा दो, नहीं तो SHP साहब ने इतना बोल रखा था कि बच्चा कहाँ है वो बताओ। कि तो इन्होंने बोला कि अभी रेस्ट रुकवा दो, तो हमारे से इन्होंने कंप्रोमाइज़ लिखवा लिया, ये बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लॉयर खड़ा करके तुम्हारा लड़का वापस ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है, अपनी डिमांड ही लड़के की थी, ये एक भांजा है मेरा, दोनों की डिमांड की थी मैंने। तो इस दौरान इन्होंने वो कंप्रोमाइज़ लिखवाने के बाद में मेरा नंबर था ब्लॉक कर दिया इन्होंने। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये ज़मीन तो बेच दी थी, मकान था, ये मैंने 3 महीने के एग्रीमेंट पे कर दिया कि 3 महीने में अगर छुटा लूँगा। मैंने 10 लाख का अरेंजमेंट करके 6 लाख रुपए में वकील खड़ा किया, 3 लाख रुपए जिनसे 10% पे ले रखे थे उनके पैसे वापस देने पड़े, और मेरे लड़के की हालात और मेरे भांजा जो सनी है इनकी ये हालात कर दी। एक सेम ही केस इनका डोंकर भी एक सचिन नोल था जिसने इसराना थाने में एप्लीकेशन दी हुई, उसके साथ भी ये तकरीबन 18 लाख की ठगी हुई है। तो उसके घरवालों के पास पैसा होगा, उन्होंने डिपोर्ट करवा के वापस बुला लिया, और हमें उन्होंने धोखा करके ये रसिया जेल में भिजवा दिया। उन्होंने आपसे यही विनती है कि हमारी कार्रवाई करवाई जाए। वीडियो कॉल करवाते थे वहाँ से आप? हम बार बार वीडियो कॉल पे दोनों हाथ पे चक्कू रख देते थे कि ये हाथ काट रहे हैं तुम्हारे, इंडिया भेज देंगे, हमारे पाकिस्तानियों का क्या कर लोगे। वो अपने आप को पाकिस्तानी बताते हैं, जिसमें कुछ इंडियन डोंकर है। तो इन्होंने जगह जगह ऑफिस बना रखे हैं यहाँ पे, 2-4 हज़ार रुपये में दुकान लेके अच्छी फिल्म लगा के उसके बाद लोगों को लुभाते हैं कि आपको ये करवा देंगे, वो करते कुछ नहीं है। ये जाके वहाँ माफिया के हवाले कर देते हैं, जितना कुछ पैसा होता है वो लूट लेते हैं, उसके बाद वो आर्मी में करवा देते हैं। आर्मी वाले उनको रेड पासपोर्ट का वो देते हैं कि रेड पासपोर्ट मिलेगा आपको, रशिया में आपकी मैरिज हो जाएगी। बच्चे हैं इनका दिमाग वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ जी, वो कर देते हैं। आपसे विनती है कि आप हमारी मदद करें और इस पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम श्यामलाल है, मुकेश कुमार मेरा लड़का है, और जो सनी सुनो दर्शन लाल ये मेरा भांजा है। कहना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप किसकी माता हैं? मैं सन्नी की माता हूँ, मेरा नाम मीना देवी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बच्चे, कितने समय बाद मिल रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हुआ क्या हुआ? हमारे बच्चे बहुत परेशान थे वहाँ, तो वहाँ जाके उनने किडनैप कर लिया, डोंकरों के पास फंसे हुए थे। बलजीत कौर ने यहाँ से लेके गई थी, उन्होंने कहा था कि शेंगेन वीजे पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। तो बच्चों को मारपीट करते थे, तो हमारे से पैसे मंगाते थे। सर सनी के पापा भी टैग के मरीज हैं, ये भी बाहर रहते हैं। तो हमने अपनी जो इनके खाने की जगह थी ना, हमने बेच के वो इनके पास पैसे भेजे, तो इस ऐसे बच्चे पीछे आए। तो आपने भी देखी होंगी वीडियो जब आपको वहाँ पे करते होंगे, पैसे की डिमांड करते होंगे, चाकू रख कर। हाँ जी, माँ बाप को दुख तो लगता है ये बच्चों को देख के। सारी सारी रात पर हम सो नहीं सकते थे, बच्चों को देखते रहते कब इनका मैसेज आए। जब मैसेज आता था तो हमारे को वो अकाउंट नंबर देते थे, हम पैसे डाल देते थे, फिर 2-3 मिनट के बाद फिर जैसे उनका होता था वो पैसे इनसे मंगवाते थे, हम भेज देते थे। ऐसे हमारे बच्चे पीछे आए हैं। लेकिन कल अब जब सामने देखा हो तो लगा एक रात की सांस आई होगी। हाँ जी, तो और भी बच्चे चाहेंगे, वो भी सुरक्षित आने चाहिए। हाँ जी, वो भी बच्चे सुरक्षित आना चाहिए, वो भी ऐसे माँ बाप हैं जैसे हम माँ बाप हैं, उनके बच्चे ऐसे फंसे जैसे हमारे बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे, वो भी बच्चे पीछे ऐसे ही आने चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है जी। तो क्या हुआ पूरा आपके साथ, क्या बीती? थाईलैंड से जी उन्होंने हमारे बेलारूस भेजा जी, रशिया भेजा। से आप कब गए थे? 4 तारीख को गए। 4 दिसंबर। दिसंबर तो आपको क्या कहा गया था? शेंगेन वीजा गया था जर्मन का जी, वर्क परमिट जी, हमारे साथ धोखा गया जी उन्होंने वहाँ जी। यहाँ से थाईलैंड भेजा, थाईलैंड से उन्होंने रशिया भेजा, रशिया से मॉस्को ले गए जी। वहाँ जाके उन्होंने हमें किडनैप कर लिया जी, पासपोर्ट खोज लिया जी, हमारे साथ टॉर्चर करते रहे जी हमारे साथ। तो फिर उन्होंने टॉर्चर करके फिर वो पैसे की डिमांड करते रहे जी, आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है जी। तो ये मुकेश देख सकते हो, पहले बीमार था जी, ना दवाई ला के देते जी ना कुछ जी, वहाँ ये तड़पता रहता था जी, 2-2 घंटे भी उस रहता थे जी वहाँ मुकेश जी, ना बाहर जाने के लिए देते थे जी, दवाई दवाई कुछ नहीं ला के देते थे, वहाँ मारपीट चल करते थे जी हमारे साथ जी। तो पैसे की डिमांड करते जी, घर वाले पैसे दे रहे थे जी, वहाँ हमको फंसा के रखा जी, गर्दन गुर्दन पे चाकू चुक्कू रख के जी, मेरे यहाँ चाकू भी लगाया जी, लकड़ी भी गर्म गर्म लगवाई है जी वहाँ जी। तो उसके बाद पैसे की डिमांड करते रहे, पैसे देते रहे जी। तो जिनके पास हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड थे ना जी, जिनसे पैसे नहीं होते थे, अगले दिन जैसे हम गेम पे ज़बरदस्ती लेके जाते थे जंगल में, उनकी हम लाशें देखते थे जंगल जी, जंगल में पोलैंड पे।
ये हुई है जी हमारे साथ वारदात जी। तो आपके ऐसे और भी बच्चे हैं वहाँ पर? वहाँ 250-300 बच्चे हैं जी वहाँ पर। तो आप दोनों अलग अलग गए थे जी? पहले ये गए थे? पहले यही गए जी, मैं कैसे उसके बाद मैं गया जी। तो कितने दिन बाद आप लौटे हैं घर अपने? 6 महीने के बाद। तो आप पहले कहाँ गए थे? थाईलैंड जी। यहाँ से थाईलैंड, थाईलैंड के बाद मॉस्को, रशिया से बाद मॉस्को गए। फिर आपको बेलारूस लेके? बेलारूस लेके गए। तो आपको क्या कहा था, आप आर्मी ज्वाइन करो? ये बोला जी आप या आर्मी ज्वाइन कर लो जी, नहीं तो आपको 10 साल की सज़ा है। हमने आर्मी ज्वाइन नहीं की जी, हमने कहा 10 साल की सज़ा दे दो जी, हम आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो फिर आप वापस कैसे अभी यहाँ पर लौटे? फिर मेरे फादर मेरे मम्मी ने वकील किया जी, 2 महीने हमने सज़ा काटी है जी वहाँ जेल में। तो फिर मेरे मम्मी ने मेरे फादर ने वकील किया जी, हमारी जमानत हुई जी, हमने आने की उम्मीद छोड़ दी जी। ऐसा उन्होंने हमारे साथ बुरा हाल किया जी वहाँ। खाने को कुछ नहीं देते, 15 दिन में 1 बिस्कुट देते जी। तो और भी साथी हैं जो और भी लड़के हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन भी कर ली? आर्मी हाँ जी हमारे साथ थे, हमारे रूममेट थे जी, उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया जी सात बंदों ने, हमने मना कर दिया था जी। और कौन एजेंट है जिनके थ्रू आप गए? अली है जी और चरणजीत है जी, बलजीत कौर है जी। हाँ जी ये कहाँ के हैं एजेंट? कुरुक्षेत्र के रहने वाले जी। आप कितने पैसे अब तक आपके खर्च हो चुके हैं? 25 लाख रुपए के आसपास हो गए हैं जी। तो घर भी गिरवी रख दिया? हाँ जी जमीन भी बेच दी है जी, घर भी गिरवी रखा जी। तो चाहेंगे इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, जितने भी गिरोह का सबको पकड़ा जाए। हाँ जी हाँ जी।